कल से हमारा ये लीग शुरू हो रहा है। कल हमारी जो टाइमिंग है 5 PM to 9 PM है। टोटल जो मैचेस है 55 मैचेस हैं, और जो इसे ब्रॉडकास्टर्स है हमारे सोनी 10/3 है और DD स्पोर्ट्स है और फैनकोड है। तो सभी तैयारियां जोर शोर पे चल रही है। हमारा पूरा ब्रॉडकास्टिंग का क्रू आ चुका है, सारी सिक्योर जो भी हमारी सिक्योरिटी सिक्योरिटी एजेंसी आ चुकी है, इंटीग्रिटी एजेंसी आ चुकी है, और सारा जो भी हमारे वेन्यू ऑपरेशन की टीम है। तो बहुत ही मतलब हम लोग जो भी प्रोटोकॉल एक बड़ी लीग को करने के लिए होते हैं, वो सारे हम लोगों ने मापदंड को देखते हुए इसे ऑर्गेनाइज कराया, और मार्केटिंग मीडिया सभी सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है उसी स्टैंडर्ड पर जिस स्टैंडर्ड पर ऐसा करा जा रहा है। कौन कौन टीम बेस्ट रहेगा आपके लीग में और जीतने वाली टीम को क्या इनाम दिया? इसमें कल सुबह 10 बजे गिरीश यादव जी आ रहे हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अपने उत्तर प्रदेश के, और इसके अलावा बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आने की संभावना है, और उन्होंने हमें शुभकामनाएं भी दी और मतलब काफ़ी उन्होंने सराहा भी। और इसके अलावा अब हम बालक नाथ जी हैं, कई और भी गेस्ट हैं जो आ रहे हैं इसमें बड़े। प्राइस जो है इसमें विनर को 10 लाख रुपए है और रनर को 5 लाख रुपए है। पब्लिक के एंट्री का क्या सोच रखा है, कैसे आवाएंगे और पब्लिक के लिए कितने हम लोगों के आने की संभावना? पब्लिक के हमारे यहाँ 1500 लोगों का स्पेस है अभी, तो हमें तो उम्मीद ये है कि 1500 लोग तो आराम से इसमें आ ही रहे हैं। और जो हम लोगों ने जो रखा है वो पासेस के थ्रू रखा है, हमने कोई भी एंट्री नहीं रखी है, फ्री रखा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इसे देखें। कितने मैचेस होंगे, कितने दिन का लीग चलेगा? 55 मैचेस होंगे, 15 डेज का लीग है। टाइमिंग क्या होगी? 5 PM to 9 एक दिन में कितने मैच होंगे सर? एक दिन में 4 मैचेस हैं। अर्जुन जी इस मैच के साथ जुड़ा जुड़ा हुआ है, तो क्या खास रहेगा इस मैच के लिए बताइए? देख, खास तो यही रहेगा कि इतनी बड़ी लीग अपने उत्तर प्रदेश में होने जा रही है और बहुत ही बड़े लेवल पे होने जा रही है, तो हमें तो बहुत खुशी है, और हमारे आने वाले जो नई जनरेशन है उनको भी एक बहुत बड़ा वो मिल रहा है, बढ़ावा इस चीज़ से। तो इतनी खुशी है अपनी लीग को लेके कि फिलहाल उत्तर प्रदेश का नाम हर जगह गूंज रहा है इस लीग को लेके, तो इतनी खुशी। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपनी कैडी मेहनत करनी चाहिए, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म कभी कभी मिलते हैं तो इसका लाभ उठाना चाहिए, और जितने भी हमारे यंगस्टर जो अभी आ रखे हैं उत्तर प्रदेश का जो भविष्य है, आने वाले इंडिया टीम का भविष्य है, यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, हार्ड वर्क करें, और जो प्लेटफॉर्म अभी UPPL आया तो उसमें अपना 100% दें, अपनी टीम के लिए खेलें और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें।